एक दिल की बात सुनावानी, तैनू हसदा वेख के जगनू मैं भुल जावानी, दस दे कितना गल तैनू समझावानी, वो अब तू छड़। Hey guys, I'm Shruti and welcome back to my channel, Shruti's Interesting Sparkles. इसमें हम देखते हैं लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी हैक्स एंड कुकिंग। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी एक प्रोडक्ट का रिव्यू जिससे मैंने यूज़ किया है, बहुत ही दिनों से मैंने ट्राई कर रही हूँ और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू बना दूँ। रिव्यू करने जा रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम। ये फेस सीरम है, रेडियंट ग्लो फेस सीरम है। ये आपको purple.com पे मिल जाएगा। इस ये बहुत ही अच्छा ग्लो देता है स्किन पे। इसकी प्राइस है 215, ये आपको ऑफ़र में उससे भी कम में मिल जाएगा। ये 10 ml की क्वांटिटी में आता है। तो देखते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो इसमें रोज़ हिप का ऑयल है, सिसमे ऑयल है, आलमंड ऑयल है, विटामिन ई है, जजोबा ऑयल है। तो ये सब ऑयल है, आपको पता ही है कि ये सिर्फ फेस के ग्लो के लिए ऑयल हम यूज़ करते हैं। आलमंड ऑयल हो या विटामिन ई हो, इससे फेस पे ग्लो आता है। तो इसे आप, इसमें सब लिखा है कि हाउ टू यूज़ एंड बी केयरफुल ऑफ, मतलब आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आपको एक पैच टेस्ट लेना है। आप यहाँ पे लगा के देख सकते हैं एक दिन भर, अगर आपको कोई रैशेस या कोई हार्म नहीं होता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी पैकेजिंग इस तरह से आती है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है। और ये जो रोज़ हिप का फेस सीरम है, एक ग्लो लाने के लिए फेस सीरम बहुत ही अच्छा है। ये आपके स्किन के इलास्टिसिटी को भी बहुत अच्छी तरह से रखता है, आपके स्किन को स्मूथ करता है। मैं इस फेस सीरम को रात में यूज़ करती हूँ। अभी मैं ये फेस सीरम डेली यूज़ कर रही हूँ। मेरी स्किन बहुत ही अच्छी तरह से ग्लो कर रही है। और ये कुछ इस तरह से आता है, इसमें ड्रॉपर आता है। आप इस ड्रॉपर से फेस पे आपकी सीरम लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है। और ये जो है आपके फेस पे बहुत ही अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो जाता है। ये ऑयली ऑयली और स्टिकी नहीं है, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रोज़ हिप्स का फेस सीरम ऑलरेडी मैंने मेरे नाइट स्किन केयर रूटीन में ऐड कर लिया है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसे यूज़ कैसे करना है मैंने वहाँ पे दिखाया है आपको। क्लिंजर टोनर लगाने के बाद ये फेस सीरम लगाना है। इस फेस सीरम आपको सिर्फ ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके लगाना है और उसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, अगर आप इसे कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी तरह से ग्लो करेगी। और ये फेस सीरम मुझे बहुत, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। ये आपके स्किन को ग्लो देता है, आपके अगर डार्क स्पॉट्स है तो इसे भी रिमूव करने में मदद करता है। ये रोज़ हिप्स का जो फेस सीरम है, ये कोई भी स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन हो या ऑयली स्किन हो। आपको सिर्फ इसे रात में लगाना है। और दूसरी एक बात की ये आप फेस सीरम एज अ प्राइमर, यानी आप जब मेकअप करते हैं तो मेकअप के पहले आप इसे लगा सकते हैं। उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, तो आप, मैं भी उसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बेस देता है अगर आप मेकअप के पहले इसे यूज़ करते हैं। ये ऑयली बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर अगर आप फाउंडेशन लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से उसे एब्सॉर्ब कर देता है। ये फेस सीरम जो है आपको एक ब्राइट कॉम्प्लेक्शन देता है। अगर आपकी अनइवन स्किन टोन है तो आपके स्किन को ये बहुत ही अच्छी तरह से फेयर कर देगा। आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। मैं इसे लगा के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरह से स्किन पे एब्सॉर्ब हो जाएगा और ये एक ऐसा ग्लो देता है स्किन पे। तो ये बहुत ही, मतलब इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है और लगाने में भी बहुत आसान है। तो ये फेस सीरम आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि रिज़ल्ट कैसा आया।
और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।